हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज हमारा दिन है 10th डे प्रिपरेशन का और टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट। देखिए, जो टाइम टेबल दिया है, टाइम टेबल आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहां पर अपडेट कर दिया है। लास्ट जो लेक्चर अपलोड किया था वो किया था इनइक्वालिटी का, उसका प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि कुछ लेक्चर्स बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक उनको भी करा दीजिए। सो एक इनपुट आउटपुट आपका बचा हुआ है और इसके बाद आपका एक बचता है कैलेंडर एंड क्लॉक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कैलेंडर एंड क्लॉक। इसलिए इनपुट आउटपुट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो इसका अपलोड कर दूँगा और यहाँ पर आपको हर तरह की ट्रिक, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर कर देंगे। आप कभी जीवन में अपने भूलेंगे नहीं, इतनी शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट की, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, इसमें होता क्या, आपको एक इनपुट दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक आउटपुट दिया जाएगा और इसको क्या किया करते हैं, कुछ स्टेप्स में इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप वन हो गया, स्टेप टू, जितने भी स्टेप्स लगे, कोई वो नहीं, 4-5 जो भी स्टेप्स हो उसमें सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक आउटपुट देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है ये कौन सा पैटर्न या कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। जो लॉजिक फॉलो कर रहा है वही आपको क्वेश्चन में लगाना होता है। पहले आपको ये पूरा पैटर्न दिया जाएगा इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इनपुट दिया जाएगा, उसको कुछ स्टेप्स में सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद आपको आउटपुट दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक इनपुट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा उसका स्टेप 4 बताइए या आउटपुट बताइए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब पैटर्न हमारा क्या होता है, पैटर्न हमारा कई तरह का हो सकता है। जैसे सपोज आपके नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, नंबर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं। इस तरह के पैटर्न आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ये पैटर्न फॉलो करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कोई आगे का स्टेप दिया गया है, 5th स्टेप आपको गिवन है और आपसे उसके प्रीवियस स्टेप पूछा गया है पहले का स्टेप, सो आप ये नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर आपका हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND। ये याद रखिएगा, अगर आपसे प्रीवियस स्टेप पूछा जाता है तो आप कभी इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसका आंसर होगा CND। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखिए तरीका बताते हैं क्या इसका शॉर्टकट तरीका है, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इनपुट गिवन है आपको और आउटपुट गिवन है। इनपुट ये लिखा हुआ आपका सामने, बट 3271 ग्लोरी फेयर साउथ 6584। इसके बाद आउटपुट दिया गया है साउथ 84 ग्लोरी 71 फेयर 65 बट 32। और यहाँ पर लिखा है स्टेप 6, ये स्टेप 6 तक सॉल्व हुआ है। स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट, ये यानी कि आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, एक एक स्टेप में सॉल्व किया है। आपको ऐसे एक एक स्टेप में सॉल्व करके नहीं लिखना है बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, इनपुट लिखा गया है बट 3271 ग्लोरी फेयर साउथ 65 और 84, ये आपको इनपुट लिखा गया है। अब आपको हमें इसका आउटपुट निकालना है। देखिए कैसे निकालने, हमको यहाँ पर पहले क्या देखना होता है, पहले हमने यहाँ पर देखा इनपुट, इसके बाद देखा आउटपुट, इसके बाद हमें देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। अब आप क्लियर देख सकते हैं आउटपुट में कि पहले क्या लिखा है, साउथ, डिक्शनरी में सबसे बाद में क्या आता है, साउथ। उसके बाद एक नंबर है, सबसे बड़ा नंबर लिया गया 84, उसके बाद दिया गया जी, उसके बाद है 71, उसके बाद फेयर और उसके बाद 65। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, नंबर्स जो हैं ये हमारे बड़े से छोटे हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और अल्फ़ाबेट्स भी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। डिक्शनरी में सबसे बाद में S आता है, फिर उसके पहले G, फिर उसके पहले F और उसके पहले B। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर जो सीरीज चल रही है ये क्या चल रही है, एक तो अल्टरनेट चल रही, पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रही, अल्फ़ाबेट फिर नंबर्स फिर अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट फिर नंबर, और किस में चल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न हमको क्वेश्चन में लगाना होता है। अब ये इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप जो सॉल्व किया ये डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देख लीजिए। देखिए पैटर्न क्या था आपको पता है,
सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, यानी कि ये एस वाला साउथ, ये हो गया हमारा स्टेप वन। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर 84, 84 ये हो गया हमारा स्टेप टू। इसके बाद क्या है जी, स्टेप थ्री। इसके बाद 71, ये हुआ आपका स्टेप फोर। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है स्टेप फोर क्या होगा, तो एस 84, जी 71 और बाकी जो जैसा बच रहा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। क्या बच रहा है, बी बच रहा है, 32 बच रहा है, 71 आप ले चुके हैं, जी भी आप ले चुके हैं, एफ हो गया, एस आप ले चुके हैं, 65 बच रहा है, 84 आप ले चुके हैं। सो ये हो गया हमारा स्टेप फोर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं स्टेप फोर, देखिए साउथ 84, ग्लोरी 71, बट 32, एफ 65, यही है हमारा स्टेप फोर। सो ये है इसको डायरेक्ट करने का तरीका। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अब चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूरा एक एक तरीका आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आपको बस ऐसे ही करना है और बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, कम से कम टाइम में आप फटाक से आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेप थ्री ऑफ एन इनपुट इज ईयर 92 अल्ट्रा 1523 स्ट्राइव हाउस 39, हाउ मैनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। मतलब कि इसमें क्या है, स्टेप थ्री आपको दिया गया है, मतलब कि तीन स्टेप तक सॉल्व कर दिया गया है, यहाँ तक ये सॉल्व कर दिया गया है तीन स्टेप तक, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ईयर 92 अल्ट्रा 1523 स्ट्राइव हाउस 39, स्टेप तीन तक सॉल्व कर दिया गया है, यानी कि यहाँ तक ये सॉल्व कर दिया गया है, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। अब देखिए पैटर्न कौन सा लगेगा, वही पैटर्न लगेगा, अल्फ़ाबेट फिर नंबर, अल्फ़ाबेट फिर नंबर, अल्फ़ाबेट फिर नंबर, और क्या हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर वाई हो गया है, 92 हो गया है, यू हो गया है। अब आपको पता है 92 से छोटा नंबर चाहिए, छोटा नंबर क्या है हमारा 39, इसको उठा के यहाँ पर ले आइए, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। तीन तक आपको पूरा दिया गया है, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। इसके बाद यू के बाद क्या आता है एस, एस को उठा के ले आइए यहाँ 39 एस, ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका 23, 23 को ले आइए, ये हुआ हमारा सिक्स स्टेप। 23 के बाद क्या आएगा आपका एच, ये हो गया हमारा सेवेंथ स्टेप एच वाला। अब इसके बाद क्या आएगा 15, तो 15 पहले से अपनी जगह पर फिक्स है, अब वहां पर आपको कुछ नहीं करना, कोई अब लेके नहीं आना, आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, वो वहीं पर है। सो ये टोटल हमारे कितने स्टेप हुए, सात स्टेप, तीन तक दिया था उसके बाद हमने चार स्टेप और लिए। तो पूछा गया है हाउ मैनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द अरेंजमेंट, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। सो कितने और स्टेप्स लगे हमारे, तीन के बाद फोर और स्टेप लगे, सो आंसर इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट दिया है एनी हाउ 49 24 फार वाइड 34 69। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन, मतलब कि सेकेंड लास्ट पूछा गया आपसे। अब चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एनी हाउ 49 24 फार वाइड 34 69। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर आएगा, सॉरी अल्फाबेट आएगा, यानी कि W, ये हो गया आपका स्टेप वन। इसके बाद क्या आएगा नंबर सबसे बड़ा 69, ये हो गया आपका स्टेप टू। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसकी पोजीशन फिक्स रहती है उसको आपको नंबरिंग नहीं करनी, वो एज इट इज़ वैसा का वैसा वहीं पर ही रहेगा 69। अब W के बाद क्या आएगा आपका H आएगा, सो ये हो गया हमारा H स्टेप थ्री। इसके बाद क्या आएगा आपका नंबर बड़ा 49, 69 के बाद क्या आएगा 49 ही तो आएगा 49, ये हो गया स्टेप फोर। अब H के बाद क्या आएगा, H के बाद आएगा आपका F, ये हो गया हमारा स्टेप फाइव। एफ के बाद क्या आएगा आपका 34, 34 आ गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्टेप सिक्स। अब 34 के बाद क्या आएगा एफ 34, यहाँ तक तो हमारा आ गया W 69 H 49 F 34, और इसके बाद क्या था हमारा, क्या आएगा इसके बाद, इसके बाद आएगा आपका A। A देखिए अपने आप अपनी पोजीशन पे पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना,
ये हो गया ए, ए के बाद क्या आएगा 24। अब देखिए ये सारे तो चले गए हैं यहाँ से, ये जो मैंने नंबरिंग कर दी ये सब चले गए हैं, ये गया तो 24 बचा, ये भी अपनी जगह पर पहले से फिक्स है। सो इसका मतलब हमने सिर्फ कितने स्टेप में सॉल्व किया, 6 स्टेप में। और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट बट वन, सेकेंड लास्ट पूछा गया है, तो कौन सा होगा, फिफ्थ स्टेप। आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बाद स्टेप टू दिया गया है, देखिए बहुत आसान है ये। स्टेप टू ऑफ एन इनपुट दिस दिस दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। मैंने आपको बताया था अगर आगे का स्टेप दिया जाता है और प्रीवियस स्टेप पूछा जाता है तो आप आंसर कभी नहीं निकाल सकते हैं। सो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 19 क्वेश्चन। बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्ले ओवर 49 37 12 मैच नाउ 81। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप फोर, यानी कि चार स्टेप तक हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा अल्फाबेट क्या आएगा, एल एम एन ओ पी, सबसे पहले एल एम एन ओ पी सबसे बड़ा अल्फाबेट हमें चाहिए, वो क्या है, पी। पी अपनी पोजीशन पर पहले से रखा हुआ है इसलिए हमको इसको नंबरिंग नहीं करनी है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। पी के बाद क्या आएगा आपका, सबसे बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या आपका 81, यानी कि ये जो हुआ आपका, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप नहीं है, ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, बिकॉज पी पहले से अपनी पोजीशन पर है। अब इसके बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ओ देखिए अपनी पोजीशन पर पहले से फिक्स है, पी 81, ओ अपनी जगह पर पहले से फिक्स है। इसके बाद 81 के बाद क्या आएगा आपका, दूसरा बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या आपका 49, ये भी अपनी जगह पर पहले से रखा हुआ है इसलिए इसको नंबरिंग नहीं करनी है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा एन। सो ये हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया एन, ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद क्या है, क्या आएगा, नंबर आएगा, नंबर क्या आएगा 37, 37 अपनी पोजीशन पर पहले से रखा हुआ है इसलिए अभी हमको इसके आगे कोई भी सॉल्व नहीं करना है। 37 के बाद क्या आएगा, एम, ये आया हमारा एम, ये कौन सा स्टेप हुआ, ये हुआ आपका स्टेप थ्री। एम के बाद क्या आएगा 12, 12 अपनी पोजीशन पर पहले से रखा हुआ है। सो ये कितने स्टेप में सॉल्व हो गया, ये हुआ हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में और यही हमारा आउटपुट है, 3 स्टेप में सॉल्व हुआ है। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप फोर, सो आंसर इज ऑप्शन डी, देयर विल बी नो सच स्टेप बिकॉज हमारा सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व हो गया। सो ये था आंसर, बस ऐसा ही तरीका, ऐसे ही आप करिए। अब ये 20 और 21 ये आप लोग मुझे सॉल्व करके इसके आंसर बताइएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर इनपुट गिवन है और उसके बाद आउटपुट गिवन है, आपको सब तरीका समझ में आ गया होगा, आपको आंसर्स जो है वो सिर्फ यहाँ पर आपको बस आंसर देने हैं। मैंने पिछले वाले जो भी क्वेश्चन थे, जो तरीका था, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये आपको सॉल्व करना है, देखिए क्या है, इनपुट दिया है, स्टेप 6 तक सॉल्व किया है, स्टेप 6 इज द लास्ट स्टेप यानी कि आउटपुट। अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि जो हमारा पैटर्न है वो क्या लग रहा है, पहले नंबर है फिर अल्फाबेट है, इनपुट देखिए, इनपुट के बाद सीधे आउटपुट देखिए और उसके बाद देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, नंबर है फिर अल्फाबेट है, फिर नंबर फिर अल्फाबेट, फिर नंबर फिर अल्फाबेट, फिर नंबर फिर अल्फाबेट और फिर नंबर फिर अल्फाबेट, ये चल रहा है हमारा। अब देखिए हो क्या रहा है, नंबर कैसा हो रहा है, 23 से 32, 32 से 46, 46 से 51, यानी कि हमें ये समझ में आ गया नंबर जो है हमारा वो चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है आपका एस, उसके बाद पी, फिर एन, फिर एच, यानी कि जो अल्फाबेट चल रहा है वो हमारा चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो पैटर्न अब आपको समझ में आ गया, पहले नंबर फिर अल्फाबेट, फिर नंबर फिर अल्फाबेट, नंबर चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिया गया है, उसके बाद लिया जाएगा उससे बड़ा नंबर, अल्फाबेट चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि जो सबसे बड़ा अल्फाबेट है जो बाद में आता है डिक्शनरी में वो पहले लिया गया और उससे छोटे छोटे वो बाद में लिए गए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो पीछे अभी पैटर्न आपको बताया उसी पे बेस्ड हैं ये सारे क्वेश्चंस। स्टेप टू ऑफ एन इनपुट इज, ये दिया गया है आपको, पूछा गया है हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क।
टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। अब देखिए स्टेप टू आपको गिवेन है, तो इसका मतलब आपको पता है कि दो स्टेप तक इन्होंने सॉल्व कर दिया है, आपको इसके आगे सॉल्व करना है। सो चलिए कर लेते हैं 18 टास्क बियर कोड। अब देखिए क्या है 18T यहाँ तक सॉल्व है, इसके आगे हमें करना है। सो क्या होगा 18 के बाद 18 से बड़ा नंबर क्या है वो 31, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा टी, टी में सबसे बड़ा था टी, इसके बाद उससे छोटा हमें अल्फ़ाबेट चाहिए वो क्या है वो है डी। सो 31 के बाद आपका आ जाएगा डी। अभी कितने स्टेप हुए हमारे, दो स्टेप हुए हैं। इसके बाद क्या आएगा 31 से बड़ा नंबर 63 को उठा के ले आइए यहाँ 63। तीन स्टेप हो गए हमारे, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप, ये हो गए हमारे तीन स्टेप। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा 63 के बाद क्या आएगा, डी से छोटा क्या होता है कोल्ड यानी कि सी, ये आ गया हमारा सी, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। सी के बाद क्या आएगा आपका 63 से बड़ा नंबर 81, सो 81 आगे आ जाएगा यहाँ पर 81 आ गया, ये हो गया फिफ्थ स्टेप। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बियर बी, सो ये पहले से अपनी पोजीशन पर रखा हुआ है तो इसके बाद हमें सॉल्व करना नहीं है। तो स्टेप टू तक दिया था, हमने स्टेप पाँच और लिए हैं। सो पूछा गया है हाउ मैनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी 5। अगला क्वेश्चन देखिए 72, 59, 37 गो फॉर पिकनिक 24 जर्नी। अब ये मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने। देखिए इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है 72, 59, 37 गो फॉर पिकनिक 24 जर्नी। हमें पता है सबसे पहले क्या चल रहा है हमारा नंबर, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे चल रहा है। और नंबर के बाद क्या चल रहा है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किस में चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले हम उठाएंगे सबसे छोटा नंबर, वो क्या है हमारा 24। सो ये हुआ हमारा 24 स्टेप वन। 24 के बाद क्या आएगा आपका सबसे बड़ा, आप देखिए क्या आता है F G H I J K L M N O P, तो अब आपको समझ में आ गया P सबसे पहले आएगा। तो 24 के बाद हमने क्या लिया P, P को उठा के रख दीजिए आगे, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। इसके बाद क्या आएगा 24 से बड़ा नंबर 37, 37 को आगे रख दीजिए, ये हो गया हमारा 37 स्टेप थ्री। 37 के बाद क्या आएगा P के पहले क्या यहाँ पर लिखा हुआ J, यानी कि आएगा जर्नी, सो ये हो गया हमारा स्टेप फोर जर्नी। क्या हो गया 24P37 जर्नी, यहाँ तक हमारा हो गया स्टेप फोर हो गए। अब जर्नी के बाद अब नंबर 37 से बड़ा नंबर कौन सा है 59, 59 को लग दीजिए यहाँ पर, सो ये हो गया स्टेप फाइव। 59 के बाद जर्नी के बाद क्या आएगा गो, ये आ गया हमारा गो स्टेप सिक्स में हो गया ये गो, स्टेप छः तक हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा 59 से बड़ा नंबर क्या है 72, जो कि अपनी पोजीशन पर पहले से रखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। 72 के बाद क्या आएगा फोर, अब जब ये सारे चले गए, ये हम ले चुके हैं 59 37 गो, क्या बच रहा है फोर, सिर्फ यही तो बच रहा है एक 72 और एक फोर, जो अपनी पोजीशन पर पहले से रखा हुआ है इसलिए उसको नंबरिंग नहीं करनी है। तो 72 और फोर, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट आउटपुट। अब हमने कितने स्टेप में सॉल्व किया था यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो आंसर इज 6 ऑप्शन डी, ये हो गया हमारा। सो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, आप इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा और अगर हो सके तो आप इसके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी बता देता हूँ, ये है आपके सामने पूरा वो क्वेश्चन, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ इसके पीछे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही आपको इन सारे क्वेश्चंस में फॉलो करना है। मैंने आपको इसके दो क्वेश्चन बता दिए, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हैं, कुछ हैं ये हैं हमारे कुछ और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 to 16। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही पैटर्न देखना है और उसी पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए गए, इसके आंसर्स यहाँ पर पोस्ट करने हैं। पैटर्न अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर्स आपको क्लियर दिख रहा है कि पहले नंबर्स लिए गए हैं उसके बाद अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं, इनपुट देखिए, इनपुट के बाद आउटपुट देखिए और उसके बाद हमारा जो पैटर्न है या लॉजिक है
बस वो देखिए। सो पहले सारे नंबर्स लिए गए, नंबर्स क्या हो रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा चल रहा है। नंबर्स आपको समझ में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, और जो अल्फाबेट है वो भी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले आर लिया गया है, फिर फ्लाइट, फिर डिले, फिर बाई, फिर एन। सो ऐसे ही ये क्वेश्चन इनपुट दिया गया है आपको, इसी का इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत आसानी से अब आप कर सकते हैं। जो पहले यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न यहाँ पर लगाना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लीज़ अगर हो सकता है आप कमेंट में आंसर्स दे सकते हैं तो ज़रूर पोस्ट करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।